टू माई चैनल गाइज, आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं लोग जयप्रकाश उद्यान राजगीर यानी पार्क है, टिकट ले रहे हैं भाई साहब। ये लोग आ चुके हैं लोग पार्क के अंदर। काफ़ी अच्छा मतलब पार्क है, अच्छा से डेकोरेट किया गया हुआ है और बेहतरीन पार्क है। अभी यही खुला मिला है तो मतलब समझिए ना, ऊँट के मुँह में जीरा वाला बात जो सुने हैं ना वही है। मतलब कोई कुछ खुला नहीं है, ये देख के मतलब दिल खुश हो गया कि आने के बाद कुछ तो अच्छा मिला देखने के लिए। घूमते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और क्या जो भी है भाई, लोग DSLR वाले भाई हैं तो फ़ोटो वोटो क्लिक करवाते हैं। रुकिए हम भी दो चार फ़ोटो निकाल लेते हैं और पोस्टिंग वोस्टिंग करने के लिए अच्छा लगेगा, बेहतर रहेगा। लोकेशन के बारे में बात करूँ तो ये सोन भंडार की तरफ आप जाते हो तो उधर ही वाले रास्ता में मिल जाएगा आपको। वैसे भी ऑटो वगैरह आप लोग कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। टिकट है 5 रुपया, कोई खास है नहीं, मस्त है, घूमिए एंजॉय कीजिए। इधर जू सफारी वगैरह बन रहा है, हो पाने वाले टाइम में राजगीर टूरिज्म और ज़्यादा ग्रो करेगा, अच्छा लगेगा खासकर बिहारियों के लिए। यहाँ का व्यूज है जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से हम लोग एंट्री लेते हैं। जो बंदे लोग वहाँ से एग्ज़िट मार रहे हैं अभी, और इधर सामने का लोकेशन है। चलिए और अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। पहले तो सैल्यूट करना पड़ेगा यहाँ के केयर टेकर्स को, काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखा गया है यहाँ पे, और आपको दिख ही रहे होंगे बहुत अच्छा खासा मेंटेन करके रखा गया है। इतना मेंटेन भाई साहब बिहार में समझ सकते हैं, तब अच्छा मेंटेन तो पटना में भी नहीं होता है जो राजधानी है। अच्छा है अगर थोड़ा बहुत और सभी जगहों पर मेंटेन हो जाए, माइंड ब्लोइंग। और क्या, चल रहे हैं दूसरे लोकेशन की तरफ। रुकिए आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा अप एंड डाउन हम कर रहे हैं, लंबे हैं और प्लस पेड़ पौधे थोड़ा छोटे हैं इसलिए। पार्क है भाई, चलते चलते पैर दुख जाएगा। अगर आपको दिख भी रहा होगा कितना बड़ा एरियाज है इसका, समझ रहे होंगे। और ये सामने जो है ना, सामने यही है जो पिकअप है, आपको पिक एंड ड्रॉप करता है जिनको मतलब चलने का उतना ये नहीं रहता है, खासकर बूढ़े बुजुर्ग। और गर्मी के दिन में बहुत लोगों को चलने का मन नहीं करता है, इसलिए लोग खासकर यूज करते हैं। पीछे ये है ब्रिज, अप एंड डाउन कर रहा है, काफ़ी अच्छा ब्रिज है और बेहतरीन ब्रिज है। और यहाँ पे तो पूरा ग्रीनरीज है, मतलब मेंटेन यार मस्त तरीके से किया गया है। तो फ़ोटो निकालने वाला जगह ये है, और ख़ासकर DSLR वाले भाइयों लोग का मतलब मस्त है यार, लोकेशन एकदम मस्त है। आजकल थोड़ा सा रील्स ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो रील्स वाले भाइयों लोग के लिए यहाँ पे वीडियो शूट जो करना रहता है ना, वो लोग वीडियो शूट को बेहतरीन करेंगे। वो लिपसिंग क्या क्या करते हैं भाई, मेरे को नहीं पता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई क्या है क्या नहीं है, बुरा नहीं मानना, अच्छा है। मतलब वो लोकेशन बता रहा हूँ, बहुत लोग लोकेशन ढूंढते रहते हैं, लोकेशन मैं बता रहा हूँ, लोकेशन A1 है, अपनी लैंग्वेज बोले तो ज़बरदस्त। रुकिए इसको बैक साइड से दिखाते हैं, 360 व्यूज, मज़ा आ जाएगा, कहिएगा हाँ भाई पैसा वसूल है ना भाई, लाजवाब लोकेशन। ये है भाई रियल नेचर, हैशटैग नेचर, ज़बरदस्त है भाई। मन कर रहा है यहीं पे आए, चारपाई बिछाए और सो जाएं, गांव वाली फीलिंग ले। पर टूरिस्टिक जगह है भाई, अपना घर तोड़िए, कहीं पे बिछाओगे सो जाओगे, यही है, देख लीजिए यही कुछ है। लोग है भाई कामयाब का, जो संजय मिश्रा जी जो हमारे बिहार से हैं, उनका डायलॉग था रेड सीरीज एंटरटेनमेंट जो प्रोडक्शन हाउस है, और उसमें एक डायलॉग था एंजॉय लाइफ और ऑप्शन क्या है, एक वीडियो में मैंने टाइटल ही डाला था। तो सही बात है भाई, एंजॉय लाइफ और ऑप्शन ही क्या है, बस यही है लोकेशन, मतलब लास्ट है समझिए,
ख़त्म ही हो गया, काफ़ी घूमे हैं हम। अब वीडियो है 5 मिनट का वीडियो, 10 मिनट का वीडियो में आपको क्या दिखाएं, जो है वो ही दिखा रहे हैं और क्या। आइएगा तभी एक्सपीरियंस ले पाइएगा। अब चलते हैं बाहर, एग्ज़िट मारते हैं, क्योंकि काफ़ी हम लोगों ने यहाँ पे घूम लिया। ऑटो वाले भैया ने बोला नहीं आ गए थे, तो चलते हैं। इतना देर उनको भी वेट करवाया जाए, लगभग 1.5-2 घंटे से इधर ही हम लोग घूम रहे हैं। मतलब काफ़ी, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, बेहतरीन जगह है, विजिट कर सकते हो, वर्थ इट है और क्या। काफ़ी फ़ोटोबाजी फ़ोटो हुआ है मस्त तरीके से। अब डायरेक्ट हम लोग बाहर निकलते हैं और क्या। यही है हैशटैग रियल इंडिया, घूमो फिरो और क्या। गर्मी में तो गर्मी ही है, ठंडी में ठंडी है, सबका अपना अपना मज़ा है, सब सीजन का अपना अपना मज़ा है, सबका अपना अपना स्पेशलिटी है। ऑलवेज फ्रॉम दिस ब्लॉग, मिलते हैं बहुत जल्द नए ब्लॉग के साथ। अब यहाँ से एग्जिट मारते हैं और क्या, ऑटो पर बैठते हैं, थोड़ा सा खाना पिएंगे। बस यही था आपको दिखाना था, मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर दिया। चलती है, अब चलते हैं वहाँ पर।